देखे भैया, हम गायक कलाकार विपिन बिहारी यादव, ग्राम डुमर कोठी, ग्राम सभा मंगरौली, जिला बलिया से। आज यह पहला बिरहा का कैसेट रिकॉर्ड करावे जात बनी हम। आ जैसे आप सभी गायकों को आप श्रोतागण प्यार दिए, दुलार दिए, उसी तरीके से हम भी उम्मीद करता हूँ कि मुझे भी प्यार दुलार देंगे। यह रिकॉर्डिंग जो है राज स्टूडियो मऊ नाथ भंजन, राज भैया तथा गुड्डू भैया की देखरेख में होत बा। इसी के साथ गाना की शुरुआत है। मेरा गाना जो है त्रेता से शुरू होगा, द्वापर में आगे खत्म होता है। गाना का शीर्षक बा महाबली रावण, चार लाइन भूमिका में कहना बा मास्टर। एक लाइन गजल का नमूना मास्टर। कोनो लड़की जो कोनो लड़की से कौन लड़का कह लेबा, का कह लेबा कि मांगा था मैंने बोसा तो, अरे मांगा था मैंने बोसा तो तूने नहीं दिया। बोसा का मतलब भैया उर्दू भाषा में जौन बा, अरबी भाषा में, सॉरी अरबी भाषा में चुम्मा के कहल जाला। कि मांगा था मैंने बोसा तो तूने नहीं दिया। पर्दे में रहने वाली तू पर्दा उठा लिया। गाना में भाव दिहल गेल कहना बा कि जैसा कर्म हो दुनिया में, अरे जैसा कर्म हो दुनिया में कीर्ति को गाई जाएगी। जैसा कर्म कीर्ति को गाई जाएगी। जैसा कर्म हो दुनिया में कीर्ति को गाई जाएगी। करम पे आपके, अरे रहमो करम पे आपके दुनिया ये सर झुकाएगी। ये हमें से सैर लगा तो मास्टर। त्रेता में श्री राम का चरणागमन हुआ,
मगन हुई धरा तो उनके चरण छुआ। तो हुआ बनवास तो जंगल की खाक छाने हैं, दुनिया के पालनहारी दुख दर्द भी तो जाने हैं। सीता का रावण लंका में लाया है, रघुवंशी राम से वह दुश्मनी बढ़ाया है। तरकस पे तीर ताने ऐलान जंग हो गया, भेदी बना विभीषण लंका कबे भोग हो गया। भैया बात उस समय की है जब भगवान राम को वनवास हो जाता है। वनवास के समय बाबूजी सीता जी का हरण होता है, राम और रावण के बीच में लड़ाई होती है। जब राम और रावण के बीच में लड़ाई होती है बाबूजी, पूरा लंका का विनाश हो जाता है। उस समय मंदोदरी जो है बुला करके भगवान राम से एक ठे बात कहले बा मास्टर, विदेशिया में भाव लगत बा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लंका के विनाश भइले रावण के बधनवा से, आए लाख पुत सवा लाख खाना दना। कि बोली मंदोदारी बोलाई बान बसियन के, अरवा तोड़ाई दिहली लंका पर का फना। बाबूजी मंदोदरी भगवान राम के बोलोले बा, प्रणाम कैले बा, कहले बा कि हे प्रभु आप तो दुनिया का पालनहारी हैं, ई बताई आपके का मिलल ई पूरा लंका के नाश करके। कहल जाला कि रावण का एक लाख पूत सवा लाख नाती रहलन। बाबूजी एकर मतलब ई भइल कि वो समय पर कुल मिला करके सवा दो लाख लंका का आबादी रहे, पूरा आबादी जौन बात रावण के वंशज रहे। बाबूजी भगवान राम से कहले बा मंदोदरी एक लाइन गीत के साथ मास्टर। कौनो लड़का बा चल गई बम्बई कमाए, हाँ बम्बई कमाए गई भाई, जब घर से लौटल तो कुछ पैसा वैसा लेके आयल रहे, मलकिनिया जब पोलस तो थोड़ा सा सौदा में हो गई, जब जब थोड़ा सा धूप निकलल तो छाता लेके निकले, जब छाता लेके निकले वो बम्बैया वाला के मलकिनिया तो अगल बगल के मेहरारू देख थोड़ा जलन नौके यार, देखा छाता लगा के चलत भैया। ओ समय पर कहले बड़ी सौरत का हो ढेर तोहरे घाम लगत है, औरतिया कहले बा का कहले बा, अरे बंद कर के राखी चाहे, अरे बंद कर के राखी चाहे, खोल कर के छाता राजा कमाता हमारे, हो राजा कमाता हमारे, देख देख तोर काहे भभाता राजा कमाता हमारे।
भगवान राम से दुखी मन से बाबूजी कहले बा का कहले बा के बोले मन दो दरे श्री राम से खिसिया के तनी बता दी हमके हो तनी बता दी हमके पीर कोई बाका हो तो देखा दी तनी बता दी हमके पीर कोई कि बेटा मेघनाथ कुंभ करण बलवाना स्वामी जी हमार जीते सगर जहाना स्वामी जी हमार जीते हमके पीर कोई बाका हो तो देखा दी तनी बता दी हमके अरे जा ये बात कहले बा कि भगवान आप ही बता दी हमरा के कि रावण कुंभकर्ण अब मेघनाथ जैसन वीर का दोबारा पैदा हुई है। भगवान कहलन का कहले बनन कि बोले रघुराई धीर धरन माया नावा इतना घमंड जीन कर धरती कभी वीरों से खाली नहीं रही है। एक से एक वीर पैदा हुई है। हो आज हम लड़ाई करते थे काल पता चले कि उन्हों के पीछे पीछे चले के परी हमरा के ढेर घमंड मत कर तो के हम जरूर दिखाई वैसा जगह जहाँ वो वीरन का दर्शन हुई जो आज के वीरन से भी बड़ा वीर हुई है। तेरी में भाव लगा था मास्टर अरे राम देखाइब देखाइब हो राम देखाइब हम द्वापर के पीरवा वसुधा आदि अनंत वीरों की छवि बताइब। बाबूजी एक लाइन है गीत लगत बा देखे एक गीत में कितना रस बा। आजकल तो इतना छिनरी बुजरी गीत बाजत बड़ी सा कि सुनलो पाप लगत बा। ये देखे भरत शर्मा गौले रहलन एक ठे गीत प्यार वाली गीत देखे कितना बढ़िया बा। प्रेमी प्रेमिका के बोलोले बा या प्रेमिका प्रेमी के बोलोले बा ओ समय का वर्णन बा कलश की राती की आई है कब आई है कहले बा कैसे रात रजनी गंधा के फूल गम गमाई रात रजनी गंधा के फूल गम गमाई बसवरिया के पिछवा चांद आ गई
गोरी रे गोरी रे गोरी रे तोरी याद आ गई याद समय के बाद बा भगवान राम मंदोदरी के समझा के कहत बना का कहलन कि बोले श्री राम नारी के समझाई बोले श्री राम नारी के समझाई सुनमरी बतिया ध्यान देई के नाम लेई के हो हरी नाम लेई के भगवान जोन बाप लगल रहे भगवान जोन बाप कहलन द्वापर जुगवा के होई आग मनावा होई हमार तब दूसर भगवान राम कहलन की देखा आज तो हम लड़ाई करते थे रावण के साथ में लड़ाई कैली रावण का जैसन कर्म रहे रावण के वैसन फल मिलल देखा दुनिया में जे आइल बा ओके जाए के बा कर्म के अनुसार फल मिलेला रावण अपन कर्म थोड़ा सा गड़बड़ कर देहलन अलग बात बा आज ना तो काल उनके जही के रहे लेकिन देखा ऐसे बड़ा बड़ा वीर पैदा हुए हैं जहां आज हम लड़ाई के लिए काल वहां पर साथ में हम लड़ा साथ में हम बीरन का रथ हाँकब उस समय मंदोदरी कह लेबा कि असुआ नयन भरी बोलल गुजरिया तब श्री राम जी के धैले नाम ले के भाई नाम ले के मंदोदरी जब इतनी बात सुनलस की रावण से मेघनाथ से भी वीर बड़ा वीर पैदा हुई हैं उस समय पर कहले बाकी प्रभु अगर आप आशीर्वाद दे देती तो वो वीरन का हम दर्शन कर चाहते हैं ना ओ समय पर भगवान कहले कि ठीक बात तोहर इच्छा अगर बा दर्शन करे के इतना लंबा इंतजार कर सके लोग तो एव मस बाबूजी भगवान राम अयोध्या गए लेकिन देखें कैले का बा एक लाइन है गीत लगता है मास्टर कोनो लड़का बा भैया की ससुरारी चल गई भैया की ससुरारी हाँ हो तनी हरियरी वहां रहे अब हरियरिया होके इतना निक लगे लगल कि बार बार चरे खाती पहुंच जाओ जब घरवा के लोग लगलन डांटे कहें घरे का जाले रे बेहुद्दा कहीं का बार बार तो कहले बा का कहले बा
समय देखे मंदोदरी कैले का बा के कुटी बना के महल के बहरे अरे गांव हरि भजनिया के दर्शन होई महावीरवन के लागल इहे लगनिया बना करके बाबूजी महल से बाहर इंतजार करे लागल समय का। धीरे धीरे त्रेता युग का समापन भइल, द्वापर युग का शुरुआत भइल। उस समय देखे भइल का कि हर महाभारत के छिड़ल लड़ाइया मंदोदरी जोन बा इंतजार करत बा। इहर धीरे धीरे समय बीतल, द्वापर युग के शुरुआत भइल, महाभारत के लड़ाई भइल। महाभारत की लड़ाई में बाबूजी पांडवों की जीत होती है। उस जीत से सब अपन अपन सीना फुलावत बा। ए समय देखें जब सब लोग बैठ करके आपस में चर्चा कर रहल बा कि हम सबसे बड़ा वीर, हम सबसे बड़ा वीर। कहीं भीम गदा लेके भाजे लगस, तो कहीं अर्जुन लेकर के तीर धनुष लगस, ए बगल से वो बगल भाजे। उस समय भगवान कृष्ण अइलन, कहलन के रे बाबू इतना ज्यादा घमंड मत कर जा, तोहन लोग का कितना कितना लड़ाई कैले हो जा, सबकर थाह लग जाई आ सबके पता बा कि के कितना वीर हुए। एक लाइन गीत लगत बा मास्टर। गीत उबा मास्टर जी इशारा के लिए हमन एक जानी कमाए के जाए के चक्कर में रहलन कि जल्दी दुपहरिया वाली गाड़ी पकड़ ली। दुल्हन जोन बा थोड़ा सा कुनियावा घर में जाके सुती रहल, कलस के हमार कपार दुखाता। कर यही हो दुखात बा, थोड़ा सा आवे है ना तो से काम बा। कलश की आज ना जी बतना फरी आई, काल चल जाइयो। ओ समय कहले बा कैसे के बगसर सबटे रावर रे सवेरे काल चल जाई हा राजा जी। देखें भगवान कृष्ण पांचों पांडवों से कहलन का कहलन
कि जन करे तान गुमान होसान रउ मिल जाए हम माटी में कह कन्हैया जी खूब राउर मिल जाए है माटी में कलन की बहुत बड़ा वीर बड़ा जा वही समय बाबूजी बात याद आ गई भगवान श्री कृष्ण के द्वाप सॉरी त्रेता वाली की केहू इंतजार करत बा द्वापर के वीरन के ओ समय देखे भइल का एक लाइन गीत लगत बा मास्टर यहाँ कोनो आदमी रहे कमा के आइल कलकत्ता से पहले लोग कलकत्ते ने कमाए जा तो कलकत्ता से कमा के आई तो थोड़ा सा बोली बदल गई रहे घरवा माई कहे बाबू कहे मेरुआ के कहे कारे पिंटुआ के मम्मी आज जब घर से लौट के आये तब बोली बदल गई उहे बात के जा कहल गेल बा कैसे हो कल कतिया बलमुआ आई गई देखू जब से कमा के अलह हमन अपनी सखी से लहर से तब से इनका बोलिए बदल गेल बा माई के मम्मी कहे बाबूजी के पापा लेकिन देखे जब भीम चलल बाण बाबूजी उ रूप दिखावे खातिर कि द्वापर का सबसे बड़ा वीर उस समय का देखे भाव बा कहना बा कि हो आज भीम बलवानावा चली भइले झूमत जवान चल लंका की डहरिया रुक गल रथ पड़ल या गवा
भीम जो है भारत की सीमा तक रथ से जाते हैं। तत्पश्चात समुद्र पार करने के बाद जब लंका में प्रवेश करते हैं, वहां से तब पैदल न जाए कर रहे। उस समय पर जो है जब कुछ दूर आगे बढ़ते हैं, एक पहाड़ी पड़ती है। पहाड़ी को पार करते करते भीम का हालत खराब हो गई। भूख प्यास की मारे अबे को कर्म ना रह गई। बाबूजी ओ समय का भाव बा अलहम मन में गुमान लेके अभिम बलवा नवा बाबू चलल डहारिया हो सिनावा फूला धीरे धीरे पहुंचल बाड़े लंका के नियरवा दादा भूखिया चहुओर नहीं लाऊ के असरवा बाबू भीम के शरीर गईल बथहरा ए भैया। जैसे ही उस पहाड़ी को पार करता है करते हैं भीम, उस समय थक करके बाबूजी चूर हो जाते हैं। वो समय देखें भैल का किया गवा तालाब मिल झूम करके दौड़े पिए बजे पानी चले हाथ हवा उठाया पनिया मझारा अरे कीचड़ भरल बटे सगरी सरीरिया अरे पूछत पूछत ये लंका मझार हो अरे बोल मंदो भीम हमें भेज कर तार जैसे ही भीम उस पहाड़ी से उतर करके बाबूजी आगे पहुंचलन देखलन कि एक ठे तालाब बा, सोचलन यार बहुत भूख प्यास लगल बा, थोड़ा पानी पी लें। जा करके जैसे ही अंजुरी में पानी उठावे के कोशिश कैलन, फिसल के गिर गैलन। पूरा शरीर बाबूजी कीचड़ से भर गई। कैसे हूँ पोछत पाछत लंका के नजदीक पहुंचलन, पूछला बा पता लगल कि कुटिया जोन बा तेवन मंदोदरी के हुए। जा करके प्रणाम कैलन, बैठलन, कहलन कि हम भीम है, हमके भगवान कृष्ण भेजले हुवन। बाबूजी मंदोदरी की उन बूढ़ी आंखों में एक बार तस्वीर आती है रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण का, और दूसरी तस्वीर आती है भीम का। पूछले बा कि ये बाबू इतना तोहरी शरीरिया में पाकी कहां से लगल बा। उस समय भीम कहलन की देखिए एक पहाड़ रहा, पहाड़वा पर चढ़त चढ़त हम बहुत थक गई हमी, हालत खराब हो गई। जब कुछ आगे बढ़नी देख लें तालाब रहा, तलबवा में से पानी पिए के कोशिश कर ली, तलबे में हम गिर गई हैं।
यही से पूरा ही शरीर में पाकी कीचड़ लगल बाप। आ उकुल छोड़ी उकुल होते रही, हमके भगवान भेजले हुन, आ हम द्वापर युग का सबसे बड़ा योद्धा हैं। ओ समय बाबूजी मंदोदरी जब देखलस आंख में आंसू भर गई। एक बार याद आवे अपनी पति देवर या बेटा का, एक बार भीम का कहले बा का कहले बा खड़ी में भाव लगता मास्टर। मंदोदरी भीम से कहलस कि हम से रघुराई कैल रहल करार हो, रावण से बड़ा वीर दिखाई एक बार हो, अरे हम के मुरारी दिहल रहल लिख के बबुआ बीत गइल दिनवा हो डहरिया देखा। भगवान हमसे कहले रहे कि दिखाई वो बीरन के, ता कैसे बतौले बाकी देखा बबुआ उ पहाड़वा के जौन तू बात करत हो ना उकर हम बात बताओ थे कि रहल उ पहाड़ हमारे स्वामी के शरीरिया और डूब गईल जहां हमारे देवर के खोपड़िया। पूरा गाना के बाबूजी ये दो लाइन में निचोड़वा। मंदोदरी कहले बा कि बाबू जौना पहाड़वा पर चढ़त चढ़त तुहार हालत खराब हो गई, उ पहाड़ जौन बाप हमरी पति देव रावण का शरीर रहे, आ जौना तलबवा में तू डूब गई ला ना, उ तालाब हमरी देवर कुंभकर्ण का खोपड़ी रहे। बाबूजी जब इतनी बात भीम सुनलन, भीम नजर नीचे कल हलन, हाथ जोड़ के कहलन कि क्षमा करी अब हम यहाँ से चलब। ओ समय कहले बाप मंदोदरी कि जेवन समय बीत गई फिर ना आई ये निश्चित बा। भीम लौट के इलन घरे, आ गाना के अंतिम प्रमाण में बाबूजी कहना बा राजपुरम स्वामी जद्दू राधे इंदु सिरिना छत्र